I was surprised why the German team was like doing this Because they want to spread the FIFA, not allowing the Germans to say anything they want. Don't you think you can support everyone who loves everyone in the world? But why you do not support Palestine? That's another question. Why supporting the LGBTQ and not Palestine? This is a real question. Who could answer this question? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जर्मनी कतर के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगंडे की फ़ज़ा कायम किए हुए है कि कतर में मुसलमान ह्यूमन राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों को आज़ादी नहीं है कि वो आज़ादी से कुछ कर सकें। वहाँ पर सख्त पाबंदियाँ हैं, इस्लामी कानून नाफज है और हम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। जर्मन की फुटबॉल टीम ने भी अपने मैच से पहले एक फ़ोटो खिंचवाई थी अपने मुंह पर हाथ रख कर के, हमारे मुंह बंद हैं, हमें बांध दिया गया है और हम मजबूर हैं कि हम यहाँ आज़ादी से जी नहीं सकते, हमें आज़ादी से जीने दिया जाए। और ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई और एक ये प्रोपेगंडा था कतर के ख़िलाफ़, और इसका कतर ने जवाब भी दिया था। मगर इसके साथ साथ जर्मन मीडिया मुसलसल ऐसी फ़िज़ा कायम किए हुआ है कि कतर एक गैर इंसानी सलूक कर रहा है। और एक दिलचस्प वाक़या जर्मन खातून सहाफ़ी के साथ पेश आया कि कतर स्टेडियम के बाहर कुछ नौजवान खड़े थे तो जर्मन सहाफ़ी खातून उनके पास गई और एक लड़के से उसने सवाल किया कि आप LGBT को आज़ादी क्यों नहीं देते। एक लड़का अगर लड़के से मोहब्बत करता है तो उसको आज़ादी दो, उसको आज़ादी से जीने का हक दो, आखिर उनकी मोहब्बत में हर्ज ही क्या है। उस लड़के ने आगे से जवाब दिया कि वो जो जर्मन टीम ने मुंह पे हाथ रखकर तस्वीर खिंचवाई थी, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, तो क्या वो इस वजह से ही था कि हमें आज़ादी दी जाए तो जर्मन खातून ने कहा कि हाँ, वो इसीलिए था कि हमें आज़ादी दी जाए। लड़के को लड़के से मोहब्बत है तो उसको आज़ादी दो, इसमें हर्ज क्या है, LGBT को प्रमोट होने दो। तो खातून ने जब कहा कि हाँ, वो इसीलिए था कि आज़ादी दो हमें, तो फिर लड़के ने फिर दूसरा सवाल उसे कर दिया कि अगर तुम उस LGBT की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हो तो फिर फ़लस्तीन के लिए आप लोग खामोश क्यों हो। तो उस औरत ने कहा कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो लड़के ने कहा, सवाल का जवाब तो यही है कि अगर आप LGBT हम जिस परस्ती की आज़ादी मांग रहे हो कि जो इंसान करना चाहे उसको आज़ादी है, तो फिर फ़लस्तीनियों की आज़ादी क्यों आपने रोक रखी है। उनको आज़ादी दो, उनको आज़ाद फ़जा में जीने दो। उनके ऊपर जो आप जुल्म व सितम के पहाड़ ढाते हो, इसराइल उनके ऊपर जो जुल्म व सितम करता है, तो आप उसके ऊपर खामोश क्यों हो। तो ये बात सुनकर जर्मन खातून लाजवाब हो गई और उसके पास कोई जवाब नहीं था और जवाब हो सकता भी नहीं था, क्योंकि ये इनका मुनाफिकाना रवैया है कि अपनी चीज़ों पर खामोशी और मुसलमान अगर कुछ करेगा तो उसके ऊपर वावेला और शोर मचाते हैं। और मैं इस कतरी लड़के को दाद देता हूँ, उसे सलाम पेश करता हूँ कि जिसने जर्मन खातून सहाफ़ी को ऐसा जवाब दिया कि उसको लाजवाब कर दिया। और ये अगर TV चैनल पर चल भी जाता है तो जर्मनी के लोग भी देखेंगे, गैर मुसलमान भी देखेंगे कि किस तरह फ़लस्तीन में जुल्म सितम हो रहे हैं, और फिर मुसलमानों के साथ साथ गैर ममालिक के लोग भी फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाएंगे। और ये एक पैगाम पहुंच रहा है और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मुसलमानों के मकबूजा इलाके फ़तह याब होंगे इंशाल्लाह।